नमस्कार, कुबेर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैंसल एंड डिलीट वाउचर कुबेर में कैसे कर सकते हैं। अभी हम सेल्स इनवॉइस डिस्प्ले में जाएंगे। अगर हमें एक नंबर का ये जो बिल है उसको कैंसिल करना है तो यहाँ पे नीचे बटन है कैंसल एंट्री, वहाँ से कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब है कि आप एक नंबर का बिल अभी कैंसिल कर रहे हैं तो एक नंबर का बिल वापस से नहीं बना सकते इस ईयर में। कैंसल एंट्री करने के लिए यहाँ पे कैंसल एंट्री के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसका पासवर्ड है कुबेर 4, एंटर करके ओके। यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यू कैन नॉट यूज दिस वाउचर नंबर अगेन, आर यू श्योर। यहाँ पे हमें यस करना है। यस करते ही यहाँ पे एक नंबर का बिल निकल जाएगा। अगर आपको देखना है एक नंबर का बिल तो आप डिस्प्ले कैंसल एंट्री में देख सकते हैं। जितनी भी एंट्री आपने कैंसिल की होगी उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपको कैंसिल एंट्री की प्रिंट निकालनी है तो यहाँ से प्रिंट, यहाँ पे डेट देके एंटर करना है। यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगा, यहाँ पे जितनी भी आपने कैंसिल एंट्री की होगी उसका लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आएगा डिलीट एंट्री। डिलीट एंट्री करने के लिए जिस भी एंट्री डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करनी है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको यस देना है। यस करते ही 4 नंबर का बिल डिलीट हो जाएगा। डिलीट किया हुआ बिल आपको कहीं पे लिस्ट में नहीं मिलेगा। और अगर आपको इस सीरीज का वापस से 4 नंबर का बिल बनाना है तो बना सकते हैं। कैंसिल की हुई एंट्री का आप वाउचर नंबर यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिलीट किया हुआ बिल का नंबर आप यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।